हरि ओम श्री राम अम्बाग्न नाथ सवित। मैं नीपा दीपक अय्या थाना वेस्ट उपासना केंद्र से बात करती हूँ। मैं बापू के पास 2006 से आती हूँ। ऐसे छोटे बड़े अनुभव तो बहुत आए हैं ज़िंदगी में, मगर मेरा जो अनुभव है 2017 का वो मैं आज आपको बता रही हूँ। 2017 में मुझे अगस्त के फर्स्ट वीक में पेट में थोड़ा दुखने लगा, तो मैंने सोचा कि गैस ट्रबल है, तो मैं वो घर का उपचार किया और मैंने ऐसे एक दो दिन निकाल दिया, मगर फिर मुझे और ज़्यादा दुखने लगा। तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और फैमिली डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने भी मुझे 2-3 दिन की मेडिसिन दी और 2-3 दिन के बाद मैंने थोड़ा मुझे रिलैक्स लगने लगा, फिर वापस वो मुझे दुखने लगा। तो फिर डॉक्टर के पास फिर से गई और फिर डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करने के लिए किया। सोनोग्राफी मैंने करवाई और तो उसमें थोड़ा उसमें सूजन वगैरह दिखाई दिया और कुछ क्लियर नहीं आया, तो डॉक्टर ने फिर से मुझे किया कि हम आपका एक सीटी स्कैन कर लेते हैं। तो फिर मैं दो दिन में मुझे अपॉइंटमेंट सीटी स्कैन का मिला और मैंने सीटी स्कैन करवाई। मैं हर टाइम जब भी सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करने के लिए जाती थी तो हमेशा बापू आई दादा को बोलती थी कि बापू आई मेरे आप मेरे साथ हमेशा रहो करके और मेरे साथ चलो करके। फिर मेरा सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया, तो सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया तो उसमें मुझे 10 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का ट्यूमर दिखाई दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि ये ट्यूमर कौन सा है वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो वो मुझे कोलोनस्कोपी करने को कहा। फिर मैं कोलोनस्कोपी करवाया और उसका रिपोर्ट मेरे को 2-3 दिन में आने वाला था। तो परिवार वाले ने बोला कि वो रिपोर्ट आएगा तो हम अभी यहाँ थाना में मैं रहती हूँ, तो मुलुंड के डॉक्टर के पास मैंने ये सब करवाया था। तो भाई ने बोला कि अभी हम डायरेक्ट दादा के पास क्लिनिक पे ही जाते हैं, तो हमने वो रिपोर्ट दादा को मंडे को दिखाने का तय किया। दादा के पास हम लोग ये रिपोर्ट लेके गए, दादा ने रिपोर्ट देखा तभी वहाँ पोरस सिंह भी थे। फिर दादा मुझे बोले कि आप बैठ जाइए, मैं आपको एक अच्छा डॉक्टर देता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ शायद सीरियस है, कुछ भी हो बापू तू ही संभाल ले, माना जीवन मृत्यु तेरे ही हाथ में है। फिर दादा ने मुझे कहा कि आप बाहर जाके बैठो, मैं इनसे बात करता हूँ। फिर अंदर जो परिवार थे मेरे उनसे दादा ने बात किया और हम लोग को जसलोक में डॉक्टर ब्रजेश भूता का अपॉइंटमेंट दिया और हम लोग वहाँ डायरेक्ट वहाँ से डॉक्टर ब्रजेश भूता के पास गए जसलोक में। फिर वहाँ मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो कुछ 2:30 PM का था, तो फिर हम लोग बाहर बैठे थे। तो मुझे लगा कि कुछ तो सीरियस बात है कि ये लोग मुझे बता नहीं रहे। तो फिर मेरे भाई मेरे पास आए और मुझे बताया कि तुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि अंदर जो भी डिसीजन होगा तो वो तुझे नहीं बताएंगे तो आगे हम लोग बढ़ नहीं सकेंगे। तो फिर भाई ने बताया मुझे कि मुझे कोलोन कैंसर है करके। फिर हम लोग अंदर गए, फिर डॉक्टर ब्रजेश भूटा ने पूरा रिपोर्ट देखा मेरा और मुझे पूछा कि आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया। ये कोलोन कैंसर हमेशा हमारे पास सेकेंड या थर्ड स्टेज में आते हैं कि तभी हम कुछ कर नहीं पाते, मगर बापू की कृपा से बापू ने ऐसा करा दिया मेरे पास कि मैंने वो फटाफट से रिपोर्ट सब निकाला, सब हो गया। और दादा के पास जाके दादा ने भी अच्छे से हम लोग को यहाँ ब्रजेश भूटा का अपॉइंटमेंट लेके मैं फटाफट से वहाँ पहुँच गई। और फिर ब्रजेश भूटा ने हमको 2 ऑप्शन दिया कि आप पहले तो केमो कराइए नहीं तो सर्जरी कराइए, जो आप चाहते हो आपको हो सकते हैं वैसा। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग पहला सर्जरी करा लेते हैं। फिर तभी गणपति के दिन चल रहे थे तो मेरे घर पे गणपति भी आने वाले थे, तो मुझे परिवार को ऐसा लगता था कि अभी क्या करें कि पहला सर्जरी कराए कि गणपति गए। तो हमें लगा कि नहीं सर्जरी करा लेते, और दादा ने उसका भी सोल्यूशन बताया हमको कि कुछ ऐसा नहीं है कि बापा तो विघ्न हरता है, वो आप भाई के घर पे भी करवा गणपति ले जाओगे तो भी हो जाएगा। तो दादा का ये भी हम लोग को डिसीजन बहुत अच्छा लगा। और मेरा थर्सडे को गुरुवार को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो वहाँ डॉक्टर ब्रजेश भूता थे और वहाँ डॉक्टर दास भी आए थे। तो डॉक्टर दास ने मेरे पास आए और मुझे पूछा आपको यहाँ क्या डॉक्टर अनिरुद्ध जरे जोशी ने भेजा है क्या करके। तो मुझे एकदम अचानक ऐसा लगा कि बापू ने, लगता है मेरे बापू ही ऑपरेशन करवाने के लिए आए, और वो नाम मैंने सुना और मुझे बेहोश कर दिया। फिर मेरे को 5 घंटा मेरा पूरा सर्जरी चला। 5 घंटे के बाद में मुझे होश आया, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो जो वो
पीड़ा थी वो बहुत ही असह्य थी, मगर मुझे मेरे बापू आए दादा पर चंडिका उपले पूरा विश्वास था कि बापू ने जो किया वो मेरे लिए अच्छा ही किया ही रहेगा। फिर मुझे दूसरे दिन तो मैं आईसीयू में मुझे चक्कर मारने के लिए मैं राउंड अप मार रही थी। तो आप सोचो 24 घंटे के अंदर अगर बापू कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा मेरा आगे का ट्रीटमेंट था तो उसमें जो एक एक रिपोर्ट निकालने का था, मेरा सर्जरी तो पूरा अच्छे से ओके हो गया था, मगर एक रिपोर्ट था कि वो 27 साइड में कहाँ कुछ रह गया हो तो एक उसको अपन सॉल्व करें। तो उसमें दो जगह पे मेरे को वो सिम्टम्स दिखाई दिए। तो फिर दादा के फिर पास हम वापस गए और दादा ने बोला कि अभी शायद केमो का लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग रहते थाना में है, तो थाना में जुपिटर में डॉक्टर चेतना बख्शी करके है, वहाँ हम लोग ने सोचा कि वहाँ हम लोग केमो ट्रीटमेंट लेते। दादा को हमने बताया थी, दादा ने पूरा इंक्वायरी करके बोला कि हाँ डॉक्टर चेतना बख्शी सही है तो आप वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हो करके। फिर हम लोग ने 6 केमो डॉक्टर चेतना बख्शी के ट्रीटमेंट से लिया। मुझे ऐसा लगता था कि केमो के टाइम में मैंने हमेशा सुना था कि बाल चले जाते, तो मैं सोची कि भी बाल चले जाएंगे तो मिस अच्छा नहीं लगता है, सबको पता चल जाता है हमें कैंसर हुआ है, सब सिंपैथी बताते हैं, लेकिन मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए थी। मेरे बापू मेरे लिए समर्थ है, बापू हमेशा बोलते हैं मी तुला कधीच टाकणार नहीं, और बापू ने कभी भी हमें मुझे त्यागा नहीं है, बापू हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम हॉस्पिटल में गए कहाँ भी गए तो बापू ने कोई भी कोई रूप में हमें दर्शन दिए ही है। और फिर मेरा 6 केमो हुआ, मेरा 62 केजी था उसमें से 47 केजी वेट हो गया था, पूरा मेरा शरीर समझो पिघल ही गया था, मगर मुझे मेरे बापू पर पूरा विश्वास था कि बापू मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे करके, वो जो उनको है वो करेंगे ही करके। और आज 5 साल हुआ, मैंने अभी भी लास्ट रिपोर्ट निकाला बापू की कृपा से, वो भी रिपोर्ट अच्छे से आ गए, और मेरी ज़िंदगी मेरे बापू के लिए ये है, ये ज़िंदगी मुझे बापू से मिली है, बस मुझे ये ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। बापू जो हम हमेशा हमारे परिवार में ऐसा ही बोलते हैं, बापू जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हरिओम श्री राम अम्बाग्रह नाथ सवित।